नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पहले लेक्चर में, आज पार्ट वन में हम देखेंगे स्पीड मैथ्स कैलकुलेशन में, जिसमें हम किस तरीके से आसानी से और फास्टली अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पहले वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। तो आज की जो क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम इजी वे में कर सकते हैं, 5 का, 25 का और 125 का। हम इनके कैलकुलेशन को किस तरीके से फास्ट और बड़े इजी तरीके से कर पाएंगे, ये चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ में आज के लेक्चर में हम देखेंगे 11 से मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन 12 टू 19 की टेबल से हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चाहे आपको टेबल याद हो या चाहे आपको टेबल ना याद हो, हम इसके एक लाइन में बड़े इजीली तरीके से कैलकुलेशन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 5 कि 5 से हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ और उन एग्जाम्पल के बेसिस पे हम सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला है, जिस तरीके से देखेंगे हम लोग कि 16 × 5 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो 16 × 5 का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, 5 से जब भी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें जैसे ये लिखा हुआ 16, तो आप इसका जब भी मल्टीप्लिकेशन करने की आपको बारी आए तो आप इस 16 का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, हाफ, या फिर हम कहें कि इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, बड़े इजी वे में। चलिए हम देखते हैं, तो इसमें जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 8 और फिर फाइनली हमको इसमें क्या कर देना है, 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे हम इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर बड़े इजीली तरीके से 80 मिल गया। या आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट में एक जीरो ऐड कर देना है। चलिए मैं कुछ और आप लोगों के लिए एग्जांपल बताता हूं। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 64 × 5। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 64 का हाफ करते हैं, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दे तो 2 3 और 2 2 2 4। अब इसमें हम लोगों को क्या कर देना है, लास्ट में फाइनली एक जीरो ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और मैं आप लोगों को कि यहां तक जब आप लोगों के पास इवन नंबर आएगा तब तो बड़ा आसान होगा, लेकिन कभी ऑड नंबर आ जाए तब हम किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 31 × 5 का। अब 31 × 5 में आपको जब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो हमको बिल्कुल वही बेसिक रूल अपनाना है, जिसमें भी हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं हम उसका हाफ कर देते हैं। तो 31 का हाफ करने के लिए या तो आप सीधे ही मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे 31 का अगर मुझे हाफ करना है तो 30 का हाफ तो होता है 15 और फिर 1 का हाफ हो जाएगा 0.5। तो इस तरीके से अब इसमें हम 10 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 155। तो आप देख सकते हैं बड़े इजीली तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर में हमें सीधे क्या करना है, हाफ करके एक जीरो ऐड कर देना है। अगर आप लोगों के पास ऑड नंबर आता है तो इस ऑड नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको बस ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास पॉइंट में डिजिट आ रही है उस पॉइंट को आपको हटा देना है, या हम इसे कहें कि 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दे, दोनों ही कहें, दोनों ही तरीकों से बात एक ही है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा नंबर लेता हूं, अब जैसे बड़ा नंबर में क्या लेता हूं आप लोगों के लिए 432। अब 432 इंटू अगर मैं 5 करता हूं तो यहां पर हम इसमें 432 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर 2 2 2 1 और 2 6। लास्ट में आपको क्या करना है, एक जीरो को ऐड कर देना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं कि अगर हम लोगों के पास 16 × 34 × 5 आ जाता है तब हम क्या कर सकते हैं, तो फिर से हमको इसमें बड़े इजी तरीके से 2 से डिवाइड करना है, यानी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2 8 2 1 2 4 और लास्ट में आपको 0 ऐड कर देना है। तो देखिए बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 से जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तब हम 5 से मल्टीप्लिकेशन ना करके नंबर को हाफ करने की टेक्निक यूज करेंगे।
तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को काफी, और आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए करिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप लोग पाएंगे कि हम बड़े इजीली और बड़े फास्ट तरीके से अपने कैलकुलेशन को एक लाइन में कर सकते हैं। फिर आगे और समझते हैं कि जैसे अगर आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन बाय 25 आ जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 25 के लिए हम बड़े आसानी से हम याद रख सकते हैं। जैसे आपने जब 5 का मल्टीप्लीकेशन किया था, तो 5 की मल्टीप्लीकेशन में हमने नंबर का हाफ किया था, यहाँ पर आप जब भी 25 के मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो वहां पर हम इसका 1/4 करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करना है हम लोगों को, और 4 से डिवाइड कर देने के बाद फाइनली लास्टली हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखता हूँ। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम रखते हैं कि 84 इंटू 25। अब ये बड़ा इजी एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए तो इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 टू जा 8 होता है, 4 वन जा 4, इसमें हम लोगों को क्या करना है, 100 का मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए वो आंसर 4 डिजिट में चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2100, यानी 2100 इसका आंसर आ जाएगा। आगे और कुछ इसके टफ एग्जांपल के साथ मैं बढ़ता हूं। अगर मैं अगला देखता हूं कि 14 इंटू 25 अगर मुझे करना है, तो 14 इंटू 25 करने के लिए फिर भी फिर से हम लोगों को क्या करना है, इसमें 4 से ही डिवाइड करना है इस 14 में। चलिए करते हैं, तो 4 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, तो 5 टाइम में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 350। ये बड़ी आसानी से आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि 5 से मल्टीप्लीकेशन के समय पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 25 का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसी तरीके से अब आप लोग लिंक समझ चुके हो कि अगर 125 का मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो हम उसका 1/8 करके उसमें 1000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं ताकि और अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 289 इंटू 25। अब चलिए इसमें हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से जब हम इसमें सॉरी 4 से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि 25 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 7 जा, फिर उसके बाद आ जाएगा कैरी बचेगा, 4 2 जा पॉइंट 2, और फिर उसके बाद 5, इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 7225। तो आप देख सकते हो बड़े इजीली तरीके से हम इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और इस कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पे हमको सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से कवर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 125 का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि नंबर का 1/8 करके इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझो तो एक्चुअली हम कर तो 25 का मल्टीप्लीकेशन ही रहे, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे 8 से 100 को कट करेंगे तो 25 भी आएगा, तो फाइनली हम हमारे कैलकुलेशन में 25 का मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा इजी वे में हम इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ में हम लोग करते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कि 18 इंटू 125। अब 18 इंटू 125 यानी हम लोगों को क्या करना है, इस 18 में 8 का डिवाइड करना है। चलिए करें 8 से डिवाइड, ठीक है, तो 8 टू जा 16, ठीक है, कैरी पॉइंट, ठीक है, 2 बचा, तो हमने क्या करा, 0 लगाया, फिर 2 जा 16, फिर 4 बच जाएगा, तो 5 टाइम में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हम लोगों को कितने से मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्तों, तो हमको मल्टीप्लीकेशन करना है 1000 से। अब जैसे हमने इसका 1000 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2525 और 10। तो इस तरीके से हम लोग 125 का मल्टीप्लीकेशन भी बड़े इजीली तरीके में कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो। साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कि जैसे 400 इंटू मुझे करना है 125, तो आप लोगों को बड़े इजीली वे में क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करने पे 50 आ जाएगा, आपको 1000 से मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है कि 3 जीरो बढ़ाना है,
तो देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और समझाने के बाद ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तब भी हम बड़े इजीली वे में और बड़े फास्ट तरीके से इसको कर पा रहे हैं। अगर मुझे समझाना नहीं होता तो मैं इसे मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, जैसे 289 × 125, ठीक है। चलिए इसमें 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 8 × 3 = 24 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कैरी बचेगा तो 6 टाइम में जाएगा, फिर 1, फिर 8 × 1 = 8, फिर 2 बच जाएगा तो 2, और फिर 5 टाइम में 40। तो इस तरीके से 36.125 इसका आंसर आया है। इसमें हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या फिर आप लोग समझ सकते हो कि इन तीन जीरो की वजह से पॉइंट को हम तीन बार आगे खिसकाएंगे, तो 36125 इसका आंसर होगा। तो बड़े इजीली वे में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से समझ में आया कि 5 से मल्टीप्लिकेशन, 25 से मल्टीप्लिकेशन या 125 से मल्टीप्लिकेशन हम बड़े इजीली वे में कर सकते हैं। इसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करके 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है 25 के टाइम पे, 1/4 करके इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसमें 1/8 करके 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई और कवर भी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि जब हम लोगों के लिए बात आती है कि 11 से मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं कि 11 से मल्टीप्लिकेशन करने की बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हम लोगों को अगर 27 × 11 करना है तब हम क्या कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट वाले नंबर को यानी लास्टली इस नंबर को और पहले वाले नंबर को इसी तरीके से लिख दीजिए, और बीच में दोनों जो नंबर है इसके मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, तो इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने के बाद यानी 7 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। तो 27 × 11 का आंसर आ जाएगा 297, बड़े इजीली तरीके से। देखिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए रखता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर हो। अब जैसे 65 × अगर मुझे 11 करना है तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा मैंने 5 और स्टार्टिंग में लिखा 6, ये पहले और मतलब जो 65 का 5 और 6 है वो तो एज इट इज आएगा। अब बीच में हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 11 आएगा। अब यहाँ पर 11 नहीं लिख देना है, आप लोगों को 11 का 1 और कैरी यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा। अब इस नंबर को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 517, तो 750 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 65 × 11 का आंसर आ जाएगा 750। तो बड़े इजीली तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अब आप इसको थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक और मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूं, जैसे 85 × 11। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेप मैंने लिखी है इस स्टेप को भी हम स्किप करते हैं, थोड़ा सा और इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लास्ट से देखते जाइएगा, लास्ट का नंबर जो है वो 5 तो एज इट इज आएगा, इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो 8 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो 13 आएगा, 13 का 3 कैरी 1, और 8 और 1 कितना आ जाएगा, 9, तो 935 इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़े आसानी से हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और कुछ आप लोगों के लिए बड़े नंबर, जब हम इसमें 3 डिजिट के भी मल्टीप्लिकेशन बड़े इजीली तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूं, तो चौथा एग्जांपल हमारे पास में क्या है, जैसे 432 × 11, तो इसको हम पीछे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 तो एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को आपको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, देखिए एक एक दो दो नंबर करके ऐड करते जाइएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 7, और जो लास्ट नंबर बचा है वो एज इट इज, यानी किसका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4752 इसका इजीली वे में आंसर आ जाएगा। चलिए एक और इसका एग्जांपल लेता हूँ, फिफ्थ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो कितना आ जाएगा, 766। इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो 6 है वो तो एज इट इज, आपको इन दोनों नंबर को क्या करना है, लास्ट के जो ये दो डिजिट है 66 इसको ऐड करते हैं,
तो जैसे 6 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर 12, 12 का 2 कैरी 1, हम लोगों को याद रखना है कि हमारे पास में कैरी 1 आया है। फिर इन दो नंबर को ऐड करिए तो 6 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आएगा 13, 13 और यहाँ पर जो हमारे पास है कैरी था उसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 14, 14 का आपने लिया है 4 और कैरी 1, अब फिर 7 और 1 कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। देखिए तो इसका वर्किंग रूल आप लोग समझते जाइएगा कि लास्ट नंबर को तो एज इट इज लिखना है, फिर दो को ऐड करना है और कैरी का विशेष तौर पे ध्यान देना है। अगर आप लोगों के पास कैरी आती है तो इस कैरी को आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर आया इसको कैरी तो यहाँ पर 2 लिखा कैरी 1 आया, फिर अगले दो नंबर को जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आया था 13, 13 और जो कैरी हमारे पास एक्स्ट्रा था उसका एक हमने ऐड करा तो 14, 14 का 1, फिर से एक और कैरी आया था उस कैरी को लास्ट वाले नंबर, क्योंकि अब ये अकेला बचा है, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, अब ये लास्ट वाले नंबर में हमको सिंपली एक कैरी को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 से मल्टीप्लीकेशन हम बड़े से बड़े नंबर में बड़े इजीली वे में कर सकते हैं, एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े फास्ट और इजी तरीके से। बस थोड़ी सी आप लोगों को प्रयास ये करना है कि आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी अपने बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। आप कुछ भी नंबर लेके इसकी प्रैक्टिस करिए, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर बड़ा इजीली और बड़े फास्ट तरीके से आप इस आंसर को निकाल पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने 11 से तो मल्टीप्लीकेशन बता दिया आप लोगों को, अब जैसे अगर मेरे पास है 12 से लेकर 19 के बीच में कोई सा भी नंबर आ जाता है उसका अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो उस मल्टीप्लीकेशन को हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है जैसे 32 × 12 का। अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर जरूरी ही नहीं है कि 12 ही हो, आप लोगों के पास 12, 13, 14, 16, 17, 18 और 19 के बीच के कोई भी नंबर यहाँ पर हो आप उसका मल्टीप्लीकेशन करने की यही मेथड है, और यही मेथड को आप लोग अपने प्रैक्टिस में लाइएगा, अपने मैथ्स को स्पीड बनाइएगा। स्पीड मैथ्स की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि हम लोगों ने अक्सर एग्जाम में ये देखा जाता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उन क्वेश्चंस को बड़े फास्ट तरीके से जल्दी परफॉर्म करना होगा ताकि आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। इसीलिए स्पीड मैथ्स की क्लास में आप लोगों के लिए ला रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसके मल्टीप्लीकेशन को किस तरीके से हम देखते हैं समझते जाइएगा। अब इसमें यहाँ पर आप लोगों को विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि जब भी 1, 2 मतलब 12 से 19 का कोई भी नंबर हो तो इसमें इस एक का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। इस एक को आप इस तरीके से समझिए कि ये है ही नहीं। अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब 2 × 2 अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। अब फिर 2 का हमको किस में मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 में। ध्यान से देखते जाइएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन अब मैं 3 में करूंगा तो 2 × 3 = 6 यहाँ पर इसका इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन किया, और साथ ही साथ में जो आंसर आएगा जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसको उसके पीछे वाले नंबर से हमको ऐड कर देना। तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखते जाइएगा, तो 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, ये नंबर एक अकेला बचा है तो इस नंबर को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 32 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम 12 से करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 384। चलिए कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 78 × 12। अब 78 × 12 का एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए फिर से समझते जाइएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इस एक से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ दो को याद रखना है। तो 2 × 8 = 16, 16 का आ जाएगा 6। अब आप लोगों को याद रखना है कैरी 1, ये कैरी का लफड़ा आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका आगे वाले नंबर में मल्टीप्लीकेशन करना है और जो भी उसका प्रोडक्ट आता है उसका जो आंसर आता है उसमें इसके पीछे वाली डिजिट को ऐड कर देना है। चलिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी 2 × 7 = 14, 14 और हम 8 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 22, ठीक है। और 22 + 1 = 23, तो 23 का 3 और कैरी इस बार आया है हमारे पास 2। अब इस 2 को लास्टली जो एक नंबर बचा है, लास्टली हम इसका मल्टीप्लीकेशन तो इसमें कर चुके हैं, अब ये एक जो नंबर बचा है
उस नंबर को इस कैरी के साथ में हम ऐड कर देते हैं। तो 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 933। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि बड़े इजीली तरीके से हम इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ, 3 डिजिट नंबर लेता हूँ। जैसे 747 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे, फिर से वही, एक से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 का ही हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करते चलना है। चलिए 2 7 14, 14 का 4 कैरी आप लोगों को याद रखना है कि कितनी आई है, वो है 1। अब फिर हम 2 का 4 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 4 8, और 8 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 15, 15 प्लस 1 16, 16 का 1, फिर से कैरी कितना आया हमारे पास 1। अब फिर 2 7 14, 14 प्लस 4, ठीक है, फिर से वही चीज, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन 7 से, 7 मतलब 14, 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस 1 19। फिर से हमारे पास जो कैरी आया है उस कैरी को लास्टली जो आखिरी नंबर है उसको अंदर हमें ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 8। तो 8964 यानी 8964 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप हर बार क्या हो कि 12 से ही मल्टीप्लीकेशन करके अगर हमें बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सारी ट्रिक सभी नंबरों के लिए काम करती है। चलो मैं आप लोगों को एक बड़ा नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके बताता हूं, और ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि ये वाली ट्रिक जो है सभी नंबरों के लिए काम करती है। जैसे 4267 में हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है 17 का, चलिए करते हैं। तो 7 7 49 का 9 कैरी आएगा यहाँ पर 4। अब फिर हम लोगों को क्या करना है, अगले नंबर में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7 6 42, 42 में आपको एक नंबर मतलब पीछे वाला नंबर ऐड करना है, तो आ जाएगा 42 प्लस 7 49, और ये जो कैरी था इसको ऐड करना है तो आ जाएगा 53, 53 का 3 कैरी आप लोगों के पास आएगा 5। अब 7 2 14, 14 में अब पीछे वाला नंबर ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 20, 20 प्लस 5 यानी 25 का 5 कैरी आप लोगों के पास आ जाएगा इस बार 2। अब 7 4 28, ठीक है, 28 प्लस 2 अगर हम पीछे वाला नंबर ऐड करते जाएगा, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि 7 4 28, 28 प्लस 2 30 प्लस 2 ये जो कैरी है 2, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 का 2, और कैरी लास्टली हमारे पास कितना बचा 3। और लास्ट तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, अब यानी कि ये जो कैरी है वो सीधे सीधे हम लोगों को इस नंबर में ऐड कर देनी है, तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 72539। तो आप लोगों को ये वाली चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम बड़े फास्टली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया कि किस तरीके से हम 5 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम 5 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर 25 से, 125 से, साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को 11 से मल्टीप्लीकेशन करना बताया, और 12 to 19 से हम किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बड़े फास्ट तरीके से, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, हमारी क्लास के वीडियो अगर अच्छे लग रही हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो अगर आप लोगों को एग्जाम कौशल के वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।